हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आपको मैं बधाई देता हूँ रिज़ल्ट की, फर्स्ट सेमेस्टर की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे सीमा विहीन या सीमा रहित कक्षा कक्ष, क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज। पहले हम बात करते हैं ये होते क्या है, ये ऐसे क्लासरूम कौन से होते हैं जिनकी बाउंड्री नहीं होती, जिनको क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज कहा जाता है। तो टेक्निकल दृष्टि से अगर देखा जाए, तकनीकी दृष्टि से, तो जो उन्नत कक्षा कक्ष होते हैं, जो क्लास होते हैं, क्लासरूम होते हैं, हाईएस्ट जो होते हैं, जिनका विकास हो चुका होता है, वो क्लासरूम विदाउट बाउंड्री क्लासरूम कहते हैं उनको, सीमाविहीन कक्षा कक्ष कहा जाता है उनको। इसे व्यवहारिक रूप से इस प्रकार से ही सुसज्जित किया जाता है, डेकोरेटेड किया जाता है कि छात्रों के मस्तिष्क में व्यवहारिकता अभ्यास की सर्वोच्च एक अच्छी स्थिति में होता है, सर्वोच्च स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति में होता है। और दीवारें डेस्कटॉप की तरह लिखने के साधन बन जाती हैं, जैसे डेस्कटॉप पर लिखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे डेस्कटॉप पे लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार जो दीवारें होती हैं वो एक तरीके से उसका साधन बन जाती हैं। ऐसे साधन जो लंबवत स्थिति में प्रस्तुतिकरण हॉरिजॉन्टल को सरल कर देती हैं। टेक्नोलॉजी के प्रयोग में निर्देशक छात्र दोनों प्रक्षेपित जो प्रोजेक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं। जब प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है तो वहाँ पर प्रोजेक्टर उसके माध्यम पर्दे की जरूरत नहीं होती, दीवारों पर ही प्रोजेक्टर उसकी छाया पड़ती है, ठीक है, इनकी छाया दीवार पर होती है। वहाँ भी वे फाइल खोलते हैं कंप्यूटर द्वारा, मतलब यहाँ पर ऐसे क्लासरूमों में सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है, लैपटॉप का, टैब का, ठीक है, इस टैबलेट का, इस तरह के प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर का। तो यहाँ पर वो जो इमेज होती है उसको क्लिक करके फाइल को खींच सकते हैं, गिरा सकते हैं, ये सब प्रयोग भी एक स्पेशल पेन के द्वारा संभव कर सकते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में टेलीप्रेजेंस का प्रयोग कार्यक्रम या निर्देशन का विस्तार कर सकता है। सीमा रहित कक्षा कक्ष, क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज, यानी वास्तविक कार्य कक्ष है, लेकिन ये जो क्लासरूम है विदाउट बाउंड्रीज, ये एक तरीके से रियल क्लास है, रियल वर्क्स क्लास है, लेकिन प्रैक्टिकल हेतु प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल लैब एवं विकास की नई शिक्षण तकनीकी टीचिंग टेक्नोलॉजी को ग्रहण करना अति आवश्यक है। जो विचार सफल सिद्ध होते हैं उन्हें यही अभ्यास में लाया जाता है। यद्यपि ये एक भौतिक कैंपस में भौतिक कक्षा कक्ष है, इसमें बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के शिक्षा प्रदान की जा रही है। कैंपस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासों में जाते हैं या फिर अपने आईफोन, आईपैड और लैपटॉप पर जाते हैं और टीचिंग करते हैं, क्लास स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी हाई टेक्नोलॉजी के जो कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पर ये क्लास पाए जाते हैं, होते हैं। यानी कि टेक्निकल दृष्टि से देखा जाए तो जो जहाँ पूर्णतः टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, टेक्निकल कॉलेज वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पर दीवारों का जो प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्टर का को मानकर करते हैं, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज, क्या विशेषताएं हैं इनकी, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। तो कैंपस में छात्र, पहला पॉइंट है, इसमें कई सारे पॉइंटों को लेकर के हम अध्ययन कर सकते हैं, इनकी विशेषताओं का, उनके महत्व का। तो पहला पॉइंट है, कैंपस में छात्रों के, स्टूडेंट के लिए उच्च स्तर यानी हाई लेवल के लिए के क्लास का क्लासरूम के अलावा विजिटर्स को एक नवाचार युक्त अनुभव प्रदान किया जाता है, एक नई चीज़ का एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। और ये स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय में संपूर्ण रूप से क्या सुविधाएँ हैं, विश्वविद्यालय में, उस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में संपूर्ण रूप से क्या सुविधाएं हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लॉबी, जो ग्राउंड होता है, या बड़ा मीडिया कक्ष,
क्लास, मीडिया क्लासरूम, 10 मंजिली इमारत या 5 मंजिली इमारत जिसमें मिश्रित रूप से तकनीकी ग्राफिक्स और आर्टिस्टिक डिज़ाइन विश्वविद्यालय की वास्तविक कहानी स्पष्ट करता है। यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, ऐसे कॉलेज हों और होते हैं जिसमें फिर भी एक मिश्रित रूप से, उसे कंबाइंड रूप से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ऐसे क्लासरूम ही क्लासरूम होते हैं। नेक्स्ट है, ये सब कहानी किस पर आधारित है? अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर आधारित है जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जैसे टच एंड लर्न पैनल्स, लाइफ साइज प्रोग्रोसीज वीडियोज एंड इंटरेक्टिव मैप्स के माध्यम से अनुभव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, ये सब कहानी, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ये सभी अनुभव एक सुख प्राप्ति के लिए सजाए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं एक आराम के लिए। इनसे ज्ञात होता है कि हम क्या हैं, किसकी सेवा करें, कैसे करें, हम कहाँ जा रहे हैं और छात्रों के लिए इस सब का क्या महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंपस में परंपरागत कक्ष ट्रेडिशनल क्लासरूम्स भी है, एक आर्ट नर्सिंग लैब, एक परामर्श केंद्र गाइडेंस सेंटर होता है वो, जो छात्रों की व्यक्तिगत या वास्तविक परिवार सहित सेवा करता है। नेक्स्ट है, एक छात्र सलाहकार केंद्र है, ठीक है, एक स्टूडेंट क्या है, किसका सेंटर है, एडवाइजरी का, एक रिसोर्स सेंटर है जिसमें कंप्यूटर कार्य करता है, और एक समूह अध्ययन कक्ष, ठीक है, ग्रुप स्टडी रूम होता है, वीडियो बूथ्स लैब जिसमें छात्र कार्य करते हैं और अपने प्रस्तुतिकरण को उन्नत करते हैं, बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंपस में परम, नेक्स्ट, एक छात्र स्टाफ के लिए यहाँ पर योग्यता लैब, एबिलिटी लैब, यूज़र ऑब्जर्वेशन और रियल टाइम प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्लासरूम क्या होते हैं, विदाउट बाउंड्री क्लासरूम होते हैं, इनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेष तत्व निकल के आए इनको लेकर के, जैसे सीमा रहित जो क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज हैं, उनके कक्षाएं मूलतः एक नया विचार है जो फोनिक्स विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है। इसके विकास की हम बात कर रहे हैं, इतिहास की बात, 24 मई 2012 में फोनिक्स नाम से विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ, एक यूनिवर्सिटी थी इसका शुभारंभ हुआ, स्टार्टिंग हुई, इस्टेब्लिश हुआ है। विशाल कैंपस वाला ये विश्वविद्यालय नवाचार युक्त जो इनोवेशंस वगैरह होते हैं, इनोवेशंस युक्त अनुभव प्रदान करता है, और यहाँ पर क्लासरूम कक्षाएँ पूर्ण रूप से तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी सुविधाओं से सुसज्जित होती हैं। यहाँ विशेष प्रकार का कैंपस है जो 1625 फाउंटेन हेड पार्क वे में स्थित है। फाउंटेन हेड सहयोगी केंद्र के रूप में टेम्पी ऑरिज में है, जिसकी ओपन सेरेमनी के अवसर पर फोनिक्स विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट विल पेपिसेलो ने कहा था कि द इनोवेशंस एट दिस न्यू कैंपस एम्बॉडीज द फाउंडेशन ऑफ व्हाट यूनिवर्सिटी ऑफ फोनिक्स प्रिडेस इट्स सेल्फ इन डिलीवरिंग टू इट्स स्टूडेंट्स एन एजुकेशन विदाउट बाउंड्रीज। इस प्रकार इस नए कैंपस में नवाचार के रूप में ऐसी कक्षाएं चलाई जा रही हैं जो पूर्ण रूप से हर एक दृष्टि से, प्रत्येक दृष्टि से, प्रत्येक तथ्यों से, तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित हैं, डेकोरेट हैं टेक्निकल सुविधाओं से। इन कक्षाओं के लिए वास्तव में कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये नवीन तकनीकी ज्ञान के आधार पर वह सभी जो संभव बना सकती हैं, जो सीमा रेखा से परे हो रहा है, मूलतः ये सब तकनीकी सुविधाएँ ही हैं। ऐसी ही सुविधाएं भारत में दूरस्थ शिक्षा और खुला विश्वविद्यालय जैसे इग्नू है, ओपन यूनिवर्सिटी, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय,
के द्वारा प्रदान करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें सफलता भी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लासरूम विदाउट बाउंड्रीज कौन से क्लासरूम होते हैं, मतलब इसमें ऐसी क्लासरूम में सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। जो टेक्निकल कॉलेज वगैरह होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ही मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाई की जाती है वो सब। तो ऐसे क्लासरूम जो होते हैं विदाउट बाउंड्री क्लासरूम होते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू।